बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर की डिटेल्स देखी थी। आज के लेक्चर में हम अब तक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एज एन एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, आज से हमारा तमाम फोकस इसी एप्लीकेशन पर होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एनवायरनमेंट कैसी होती है, आप इस पर किस तरह काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने से लेकर एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेविंग और प्रिंटिंग तक के तमाम स्टेप्स हम आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आमतौर पर सिर्फ वर्ड भी कहा जाता है। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट नामी कंपनी ने लॉन्च किया था। इसका सबसे पहला वर्जन 1983 में लॉन्च किया गया था। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत से पार्ट्स में से एक अहम पार्ट है। और दोस्तों, वैसे तो अब तक दुनिया में बहुत से वर्ड प्रोसेसर्स लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन ये अब तक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसर है। तो दोस्तों, जब पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है, आइए आज हम भी देखते हैं कि आखिर ये वर्ड दिखता कैसा है, इसकी एनवायरनमेंट कैसी होती है। क्योंकि जब तक आप इसकी एनवायरनमेंट से फेमिलियर नहीं होंगे, इस पर काम करना आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले वर्ड का इंटरफेस देखेंगे। और इंटरफेस क्या होता है? जो यूजर को उस एप्लीकेशन से कनेक्ट करवाता है, ताकि यूजर अपने काम उस एप्लीकेशन के जरिए परफॉर्म करवा सके। बिल्कुल ऐसे ही हम आज वर्ड के इंटरफेस को देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, इसकी डिटेल्स देखेंगे। तो दोस्तों, ये तस्वीर में आपको वर्ड की मेन विंडो नजर आ रही है। और इस विंडो पर आपको बहुत से ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, बटन्स, मेन्यू बार्स वगैरह दिख रहे होंगे। और यही विंडो इसका इंटरफेस कहलाती है, क्योंकि इस विंडो पर आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे और जितने भी एक्शंस होंगे वो सब आप इसी विंडो के जरिए परफॉर्म करेंगे। तो आइए वक्त को जाया किए बिना पहले इसकी थ्योरी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकली भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स, हम इसको टॉप से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ टॉप पर आपको बहुत से बार्स नजर आ रहे होंगे। तो ये जो सबसे पहला बार है, ये कहलाता है टाइटल बार। दोस्तों, जिस पर दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, एक तो एक्टिव एप्लीकेशन और सेकंड है डॉक्यूमेंट नेम। यानी क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक प्रोडक्ट वर्ड को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ वर्ड लिखा होगा। क्योंकि ऑफिस में कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट। तो जो प्रोडक्ट आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज कर रहे हैं, टाइटल बार में वही लिखा होगा। और सेकंड चीज होगी, जो भी डॉक्यूमेंट नेम आप अपने डॉक्यूमेंट को देंगे वो। इसके बाद जो नेक्स्ट बार है वो कहलाता है मेन्यू बार। दोस्तों, मेन्यू बार जिसमें मेन्यूज होंगे, यानी जो जो मेन्यूज आपको वर्ड प्रोवाइड कर रहा होगा, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, इंसर्शन का डिजाइन अगर आपको डालना चाहते हैं, लेआउट वगैरह सेट करना चाहते हैं, तो जितना भी काम आप जो कि आप अपनी अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, वो तमाम चीजें आपको इस मेन्यू बार में मिल जाएंगी। इसके बिल्कुल नीचे साइड की तरफ आपको एक स्टैंडर्ड टूल बार नजर आएगा। दोस्तों, स्टैंडर्ड टूल बार एक इस तरह का टूल बार होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मौजूद हर प्रोडक्ट, जैसे कि पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, सब में ऑलमोस्ट एक जैसा होगा। इसीलिए इसको स्टैंडर्ड टूल बार कहा जाता है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज होता है, ये हर जगह पर एक जैसा आपको नजर आएगा। अगर आप एक्सेल खोलेंगे तो वहां पर भी आपको इसी तरीके से एक टूल बार नजर आएगा, जिसके अंदर पेस्ट, कॉपी, कट वगैरह का ऑप्शन मौजूद होंगे। इसके बिल्कुल नीचे आपको, इसको बिल्कुल बराबर में आपको एक और बार नजर आएगा, विच इज अ फॉर्मेटिंग टूल बार। दोस्तों, इसके अंदर वो तमाम ऑप्शंस होंगे जिनके जरिए आप अपने टेक्स्ट का फॉर्मेट तब्दील कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, अंडरलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक वगैरह करके टेक्स्ट को और खूबसूरत बना सकते हैं। और इसके नीचे आपको एक और बार नजर आएगा, विच इज अ रूलर बार। दोस्तों, इस बार के जरिए आप अपने टेक्स्ट का स्टार्ट और एंड पोजीशन का तायुन कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह को सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे एक बड़ी सी विंडो नजर आएगी जो कहलाती है डॉक्यूमेंट विंडो। दोस्तों, ये असल विंडो होती है जहां पर आप इन तमाम ऑप्शंस को यूज करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट करते हैं। एंड द लास्ट बार इज स्टेटस बार, सॉरी लास्ट बार नहीं, इसके बाद एक और बार है विच इज स्क्रॉल बार। दोस्तों, इसके जरिए अगर आपके डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पेजेस मौजूद हैं, या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट का
हर तरह का व्यू देख सकते हैं, टॉप व्यू, डाउन व्यू। तो वो आप इस स्क्रॉल बार के जरिए इसको ऊपर नीचे करके आप वो व्यू, वो डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। एंड द लास्ट बार इज स्टेटस बार। दोस्तों स्टेटस बार आपको डॉक्यूमेंट विंडो से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो आपको इस बार में नजर आएगी, जैसे कि इस वक्त आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस मौजूद हैं, अगर आप जिस भी पेज पर मौजूद है तो उसमें वर्ड्स की तादाद कितनी है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको इस स्टेटस बार के अंदर नजर आएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ इंटरफेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस। आइए अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए यहाँ टास्क बार में आपको एक आइकन नजर आ रहा है विच इज अ वर्ड, क्योंकि आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे माउस की मदद से। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ऑफिस का भी आइकन आपको नजर आ रहा है, विच मीन्स कि जो आपका वर्ड एक प्रोडक्ट है, ये किसका प्रोडक्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट है जिसके अपने बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको उसमें नजर आएगा। इसके अलावा एक्सेल नजर आएगा, पावर पॉइंट और भी दूसरे प्रोडक्ट्स नजर आएंगे, लेकिन अभी हमारा तमाम फोकस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर होगा, उसके इंटरफेस पर होगा। अब दोस्तों आप उसकी मदद से जो सबसे पहले विंडो खोलेंगे वो कहलाती है वर्ड की इंटरफेस विंडो। इंटरफेस विंडो इसीलिए क्योंकि ये जो विंडो होती है ये यूजर यानी आपको वर्ड से यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के से कनेक्ट कराती है और यूजर अपना मतलूबा काम इस वर्ड के सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको सबसे टॉप पर इंटरफेस पर सबसे टॉप बार नजर आ रहा है विच इज अ टाइटल बार, जिसमें दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, एक तो इस सॉफ्टवेयर का जो कि आप यूज कर रहे हैं उसका नेम विच इज अ वर्ड, और सेकेंड है डॉक्यूमेंट नेम, यानी जो भी आपने विंडो खोली हुई है, जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं यकीनन उसको आप कोई ना कोई स्पेसिफिक नाम देंगे, तो इस वक्त इसका नाम है डॉक्यूमेंट वन। तो दोस्तों इस तरीके से इस विंडो पर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक तो सॉफ्टवेयर का नेम और दूसरा आपके डॉक्यूमेंट का नेम। इसके अलावा ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्रॉस वगैरह के बटन हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके बिल्कुल नीचे आपको एक और बार नजर आएगा विच इज अ मेन्यू बार। दोस्तों मेन्यू बार इस तरह का बार होता है जो कि वर्ड आपको जो जो फंक्शनैलिटीज फराहम कर रहा होता है उसकी डिटेल्स आपको इस मेन्यू बार में नजर आती हैं, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, इसी के बराबर में होम है जिसके जरिए आप अपने टेक्स्ट पर जो जो काम कर सकते हैं, इंसर्ट है जिसके जरिए आप मल्टीपल चीजें इंसर्ट करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, डिजाइन के जरिए मल्टीपल डिजाइन इंसर्ट करा सकते हैं, लेआउट के जरिए मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम फंक्शनैलिटीज यानी माइक्रोसॉफ्ट जितनी भी फंक्शनैलिटीज आपको फराहम कर रहा होता है वो इस मेन्यू बार में आपको नजर आएंगी, और इसको मेन्यू बार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेन्यू की शक्ल में होता है। आप जिस भी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू खुल जाएगा। इसके बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको एक और बार नजर आ रहा होगा विच इज द स्टैंडर्ड टूल बार। दोस्तों स्टैंडर्ड टूल बार इस तरह का टूल बार होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें स्टैंडर्डाइज होता है, उनमें एक जैसा होता है। अगर हम बात करें पावर पॉइंट की तो पावर पॉइंट पर भी आपको ये इस तरह का बार नजर आ रहा है विच इज अ स्टैंडर्ड टूल बार, जो कि बिल्कुल सेम है आपके वर्ड के इस स्टैंडर्ड टूल बार से, टूल बार के जैसा है बिल्कुल। विच मीन्स की जो स्टैंडर्ड टूल बार है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मौजूद जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें स्टैंडर्डाइज होगा, उन्हें एक जैसा होगा, जिसमें कट का ऑप्शन होगा, कॉपी पेस्ट वगैरह के ऑप्शन होंगे। इसके बिल्कुल बराबर में एक और टूल बार है विच इज अ फॉर्मेटिंग टूल बार। दोस्तों ये इस तरह का टूल बार होता है जिसके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नेम लिखा है राबिया, या फिर जी तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब मैं इसको यहाँ बोल्ड पर क्लिक करके यहाँ पर आप मैं बोल्ड कर सकती हूँ, इटैलिक पर क्लिक करके इसको और खूबसूरत सा इटैलिक फॉर्म दे सकती हूँ, अंडरलाइन करके इसके अंदर अंडरलाइन क्रिएट कर सकती हूँ, इसका जो है फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हूँ। विच मीन्स कि ये जो टूल बार है ये मेरे खसूसन मेरे टेक्स्ट के लिए है, मैं अपने टेक्स्ट पर जो जो चीज़ें अप्लाई करना चाहती हूँ जो जो चीज़ें अप्लाई करके अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बनाना चाहती हूँ तो मैं इस फॉर्मेटिंग टूल बार से कर सकती हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ मजीद एक टूल बार नजर आ रहा है विच इज अ रूलर बार। दोस्तों रूलर बार ये करता है कि ये आपके टेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट यानी आपके डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिसाइड करता है एक लाइन का। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो है ये है एंडिंग पॉइंट।
आप देख सकते हैं कि अब जब भी मैं अपना डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करूंगी तो वो स्टार्ट यहां से होगा और एंड कहां पर होगा आप देखिएगा, ये आप देखिए जैसे ही यहां पर पहुंचा ये इसने इस जगह से इसको स्टॉप कर दिया लाइन को और नेक्स्ट लाइन पर चला गया, विच मींस के रूलर बार आपके मार्जिन्स को सिलेक्ट करता है कि आपका एक पेज पर एक लाइन कहां से स्टार्ट होगी और कहां पर एंड होगी। इसी तरीके से एक और बार है विच इज अ स्क्रॉल बार जो कि आपके राइट साइड पर मौजूद होगा, बाएं जानिब मौजूद होगा और इसके जरिए आप माउस के जरिए आप इस स्क्रॉल बार को ऊपर और नीचे करके अपने डॉक्यूमेंट को पूरे डॉक्यूमेंट में मौजूद जितने भी पेजेस हैं उनको व्यू कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको लास्ट एक बार नजर आ रहा है विच इज अ स्टेटस बार, दोस्तों ये आपको इस डॉक्यूमेंट की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देगा, फॉर एग्जाम्पल कि आपका पेज नंबर कौन सा है क्योंकि एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेज है, जैसे ये पेज खत्म होगा तो जो नेक्स्ट पेज स्टार्ट होगा वो पेज टू होगा, यानी एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। तो आपको बताएगा कि आप किस पेज पर मौजूद हैं, उस पेज पर वर्ड्स कितने हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये स्पेस की मदद से वर्ड्स को काउंट कर रहा है, तो यहाँ पर ये एक वर्ड है, जैसे ही मैंने स्पेस दिया तो ये नेक्स्ट वर्ड आ गया। इस तरीके से एक और मैंने स्पेस देकर ये आ गया एक और वर्ड, तो ये आपको बताएगा कि आपके एक डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं। और अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो ये बोलेगा कि कुछ भी नहीं लिखा तो जीरो वर्ड्स है, यानी आपकी डॉक्यूमेंट में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देगा। तो डियर फ्रेंड्स ये था आपके वर्ड प्रोसेसर का इंटरफेस जिसकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा आप अपने वर्ड प्रोसेसर पर किस तरह से एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं उसकी डिटेल्स देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।